हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी 9th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, नंबर सिस्टम, उस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वाले तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस करेंगे जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन बनाते भी थे हम लोग। कैसे बनती है नंबर लाइन? एक स्ट्रेट लाइन बना ली जाए और इस स्ट्रेट लाइन में पॉइंट आउट कर देते हैं नंबर 0 को, फिर ये 1, और 1 और 0 के बीच में एक नंबर होगा 1/2, 0 और 1/2 के बीच में एक नंबर होगा 1/4, ये 2, 3 और एंड सो ऑन। तो नंबर लाइंस में हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि नंबर लाइन में जो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटीजर हो या फिर वो फ्रैक्शन हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर मीन्स नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। जब किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हमको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई देता है, दशमलव बिंदु नहीं दिखाई देता है, तो हम उसको इंटीजर कहते हैं। और अगर डेसिमल पॉइंट दिखाई दे रहा है तो फिर हम उसको जो है इंटीजर नहीं कहेंगे। तो नंबर लाइन आप सब रिप्रेजेंट करना जानते हैं। अब अगर आप इस नंबर लाइन से कलेक्शन करिए कुछ नंबर्स का, और बाउंडेशन है आपके ऊपर कि हमको कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन लेना है। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का नाम है फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म नेचुरल नंबर, इसका मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर को अगर हम लोग यहाँ पर ग्रुप के फॉर्म में लिखें तो नेचुरल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब हम क्या करें कि जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ये है ग्रुप नेचुरल नंबर का। अगर इस ग्रुप में ये जो सिंबल बच्चों हमने बनाया ही है, इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं, इनफाइनाइट अनंत, तो नंबर्स तो अब तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो जो ये नेचुरल नंबर का हमारे पास में जो ये ग्रुप आया है, अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर दें, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विद इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0,
अब आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन करना है उसमें जीरो को शामिल कर दीजिए। तो जो ये ग्रुप तैयार होता है उस ग्रुप को कहते हैं फॉर्म होल नंबर, होल नंबर। और इस ग्रुप को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर हम होल नंबर वाले ग्रुप को लिखें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और किसका ग्रुप लेना है? नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर के ग्रुप्स को हमने किससे लिखा था? N से। और इसको अगर एक्सपेंशन में डाल दें तो 0 और N नेचुरल नंबर्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारे जो हैं होल नंबर्स हो गए। अब अगर हम आपसे ये कहें कि जितने भी इंटीजर्स हैं, अब जितने भी इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंक्लूडिंग 0, 0 भी लेकर के आइए। इसका मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपका ये होल नंबर तैयार हुआ है, जो ये ग्रुप तैयार हुआ है होल नंबर का, इसको तो रखिए ही, साथ में इसमें शामिल कर दीजिए ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स विद होल नंबर। होल नंबर भी लेके चलिए, होल नंबर्स। तो ये जो सेट तैयार होता है, ये जो ग्रुप तैयार होता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म इंटीजर, और इंटीजर के ग्रुप को जेड कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जेड इज इक्वल टू हो गया, क्या क्या होगा जेड के अंदर? सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। और क्या होंगे? और होल नंबर्स, होल नंबर्स। अगर हम इसको एक्सपेंशन करें तो देखिए होल नंबर में क्या आएगा, होल नंबर में आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। इधर नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी पढ़ी हुई हैं, बट इस चैप्टर में इन सबको एक बार हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, एक बार वापस से जान लेते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो नंबर लाइंस होती है वो एक ऐसी लाइन है जो नंबर जिसमें रिप्रेजेंट किए होते हैं, उस नंबर लाइन में कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे वो रेशनल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म हो, डेसिमल फॉर्म हो, कुछ भी चलता है। और फिर उसके बाद में एक ग्रुप है जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स, एक ग्रुप है जिसका नाम है होल नंबर, और एक ग्रुप है जिसका नाम है इंटीजर्स। अब इसके बाद में हम एक और ग्रुप की बात करेंगे, और उस ग्रुप को हम कैपिटल क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जानते हैं कि वो ग्रुप कैसे डिफाइंड होता है। तो बच्चों एक चीज आप जरा बताइए मुझे कि अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिखें, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को हम कैपिटल एन से लिख रहे हैं, हिंदी में इसको अंश कहते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर, इसको हम डी से लिख रहे हैं, इसको हिंदी में हर कहते हैं। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखें तो नंबर की जो ये फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? आंसर है कि ये फ्रैक्शन कहलाती है, फ्रैक्शन फॉर्म।
और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पर ये जो क्यू है वो कैपिटल डी की जगह पर है और ये जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पी है वो कैपिटल एन की जगह पर है, एन फॉर न्यूमिनेटर। तो अगर हम किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू की सकल में लिखते हैं, तो ऐसा जो नंबर है वो कहलाता है रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर इज नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पर q को जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। और अगर हम एक ऐसा ग्रुप तैयार करें जो कि रेशनल नंबर्स को होल्ड करता हो, तो जो ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ All rational numbers denoted by symbol capital Q. तो जो capital Q है that is group of rational numbers. तो ये यहां पर होगा collection of rational numbers. तो रेशनल नंबर भी हम लोगों ने जान लिया। अब कुछ रेशनल नंबर पर आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी, जैसे आपको दो नंबर्स दिए जाते थे और कहा जाता था कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर है वो आप पता करके दीजिए। तो वो कैसे निकाला करते थे? तो मेथड तो कई सारे होते थे, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है जरा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो दो गिवन नंबर्स होंगे और उन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। जो भी नंबर्स हमको दिए जा रहे हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, जो टू गिवन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। दो नंबर्स हैं वन और टू और इनके बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने, चार रेशनल नंबर्स निकालने।
तो पहला पॉइंट क्या है भाई कि जो जिन दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, दोनों गिवेन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो यहां पर एक नंबर ये 1 दिया है और ये 2 दिया हुआ है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इस 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ध्यान से देखो कि दोनों गिवेन नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो कैसे हैं, सेम है भाई। यहां पर भी डिनोमिनेटर 1 है और यहां पर भी डिनोमिनेटर 1 है। कभी कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो फिर हम सेम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, टू गिवेन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ऐसा करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड एम को निकालेंगे। ये एम क्या है, तो एम बराबर टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवेन नंबर्स, टू गिवेन नंबर्स। जैसे इस एग्जाम्पल में देख के समझते हैं एम क्या है। तो आपको जो गिवेन नंबर्स हैं वो कौन है, 1 और 2। एक गिवेन नंबर ये है और एक गिवेन नंबर ये है, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, तो 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो जितने रेशनल नंबर चाहिए उसकी वैल्यू का नाम है एम। तो यहां पर एम की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 रेशनल नंबर हमको चाहिए तो एम बराबर 4। फाइंड एम, जहां पर एम है टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवेन नंबर्स। अब जब एम निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एम प्लस 1 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इन टू गिवेन नंबर्स। जो दो गिवेन नंबर्स थे हम उसमें उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे एम प्लस 1 की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, तो आएगी 5। और हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो कौन है, तो एक तो नंबर हमारा है 1/1 और एक है 2/1। तो एम प्लस 1 को डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, इन बोथ द गिवन नंबर्स। तो लीजिए एम प्लस 1 की वैल्यू 5 है और यहां पर भी ये 5 है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए 5 और यहां पर भी 5। तो जब ये हम लोगों ने किया, ये कितना हो गया 5/5 और ये कितना हो गया 10/5। तो एम प्लस 1 को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे इन द टू गिवेन नंबर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग राइट करते हैं, राइट रिक्वायर्ड नेचुर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवेन नंबर्स। तो जो दो गिवेन नंबर्स थे उनके बीच में जो भी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास में गिवेन नंबर की फाइनल फॉर्म ये हो चुकी है, अब इनके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 5/5 के बाद नया रेशनल कितना आएगा, 6/5, 6/5 के बाद 7/5, 8/5 और 9/5। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप जब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है इस तरीके की प्रॉब्लम में। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी दो सेलेक्ट करते हैं नंबर्स जिनके बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने हो,
जैसे क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फाइव. तो तीन और पांच के बीच में हमको पांच रेशनल नंबर चाहिए. तो क्या फंडा था कि सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो गिवन नंबर थ्री है, ये फाइव है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा, यानी वन अंडरस्टूड है. तो लीजिए भाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अगर नहीं होते तो करते फिर. अब क्या करेंगे, अब हम m निकालेंगे. तो m वो नंबर होते हैं जितने रेशनल नंबर्स इनके बीच में चाहिए. तो कितने रेशनल नंबर चाहिए, पांच चाहिए. तो m बराबर हो गया फाइव. m प्लस वन कितना हो गया, फाइव प्लस वन सिक्स हो गया. इसी सिक्स से यानी m प्लस वन से दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है. तो जब हम लोगों ने इसमें ये काम किया थ्री इंटू सिक्स अपॉन वन इंटू सिक्स, यही काम यहां पर भी किया फाइव इंटू सिक्स अपॉन वन इंटू सिक्स, तो ये वाला नंबर हो गया 18/6 और ये नंबर हो गया 30/6. ये दोनों नंबर्स गिवन वाले आ गए. इसके बाद जो रिजल्ट है कि बस आप अपने रेशनल नंबर्स लिख डालिए. तो 18/6 के बाद का रेशनल नंबर क्या होगा, 19/6. उसके बाद क्या होगा, 20/6. उसके बाद क्या होगा, 21/6. उसके बाद क्या होगा, 22/6. इसके बाद क्या होगा, 23/6. तो आपको पांच रेशनल नंबर चाहिए थे इनके बीच में. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका आंसर हो गया. तो मेथड और भी होते हैं लेकिन सबसे सिंपल जो तरीका है वो यही है. एक प्रॉब्लम और करते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि जो उनके डिनोमिनेटर हैं गिवन नंबर्स के वो सेम नहीं है. क्वेश्चन है हमारा फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/3. तो ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमको चार रेशनल नंबर्स चाहिए. तो सॉल्व किया जाए. क्या थी पहली शर्त, जो भी नंबर्स हमको दिए जा रहे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करने चाहिए पहले. तो देखो यहां पर डिनोमिनेटर आपका 5 है और यहां पर 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे भाई. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. आपको ये करना आता ही है कि एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे. तो यहां का डिनोमिनेटर 5 है, वहां का 3 है, तो एलसीएम 5 और 3 का कितना आएगा, 15 आएगा. इसी 15 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए. तो 3/5 इंटू 15 अपॉन 15 और यहां पर 5/3 इंटू 15 अपॉन 15. या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो डिनोमिनेटर निकला है आप इसको ऐसे देखो, 3/5 और 5/3, इसका एलसीएम कितना आया है, 15. तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा, ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा, तो यानी 25. तो ये नंबर हो गया 9/15 और ये हो गया 25/15. तो ये हो गया 9/15 और ये हो गया 25/15. दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए. एक तरीका डिनोमिनेटर सेम करने का ये भी है कि एलसीएम अगर नहीं लेना है तो इस वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो. ठीक. और इधर वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो.
तो चाहे जैसे आप कंफर्ट फील करते हो उसी तरीके से आप इस काम को कर लेना। तो ओवरऑल हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं m। तो m यहां पर कितना है, 4। चार रेशनल नंबर आपको चाहिए, m प्लस 1 निकालेंगे 5 हो जाएगा। इसी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, दोनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये नंबर कितना हो गया, 45/75, और ये कितना हो गया, 125/75। अब आपको अपने रिक्वायर्ड जो रेशनल नंबर्स हैं उनको लिख देना है। अब 45/75 के बाद अगला जो रेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 46/75। उसके बाद क्या आएगा, 47/75। इसके बाद क्या होगा, 48/75। उसके बाद क्या होगा, 49/75। ये हमारे रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर्स हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके के मिले हैं तो आप इस मेथड से आप करिएगा। फाइनली एक बार और सुनिए कि अगर दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स आपको निकालने हों तो क्या तरीका है। सबसे पहले गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, कंफर्म करिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम बनाइए। उसके बाद में फिर m निकालिए, m जितने रेशनल नंबर उन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में चाहिए वो m होता है। फिर m प्लस 1 से आप गिवन नंबर्स में मल्टीप्लाई भी करिए, डिवाइड भी करिए। आफ्टर दैट जो भी आपके रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आपको जो निकालने हैं उनको निकाल लीजिए। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का जो काम है वो आपका हो गया। तो क्वेश्चंस करिए, जहाँ जो डाउट हो पूछिए कमेंट्स करके। और इसके आगे इसी चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम लोग मूव करेंगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट वन की इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।